अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ उमेशा। फिर आप देख रहे हैं किचन विद उमेशा। फिर और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सा और झटपट और आसान तरीके से तैयार होने वाला बीफ बर्गर। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट क्विकली हो जाएगी ये रेडी। तो आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो जब बहुत तेज़ भूख लगे और फटाफट खाने को कुछ दिल करे तो ट्राई कीजिएगा बर्गर मेरी रेसिपी से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बर्गर के लिए बन लिया है मैंने, एक अदद मैंने बीफ कबाब लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 बंद गोभी में से मैंने 1/2 बंद गोभी ली है, इनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया, 1 अदद मैंने कोकम्बर लिया है, 1 खीरा गोल पीसेस में कट कर लिया, केचप लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, मायोनीज लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, इसको मैं लाइट गरम करूंगी। तक ये लाइट गरम होता है हम अपने कबाब के अंदर कॉर्नफ्लोर लगा लेते हैं। जब तक हमारा ऑयल लाइट गरम होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉर्नफ्लोर वाला बर्गर रेडी होने जा रहा है, कुछ नए अंदाज का। आप मेरी रेसिपीज बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। कॉर्नफ्लोर लगा दिए है मैंने अपने कबाब में, ये देखें, दिख रहा है कॉर्नफ्लोर लग गया है इसमें। ऑयल हमारा हो चुका है लाइट गर्म, अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर वाला कबाब डालेंगे। इसको लाइट सा, बिल्कुल माइनर सा लाइट सा करेंगे फ्राई। जब वन साइड से ही लाइट सा हो जाएगा ब्राउन, फिर इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा कॉर्नफ्लोर वाला हमारा बिल्कुल कबाब हो चुका है रेडी। पहले हमने वन साइड से बिल्कुल ही लाइट फ्लेम में आपने जो है ना अपना कबाब फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फ्राई है। इसको सिर्फ कॉर्नफ्लोर लगा के वन साइड से और फिर 2 साइड से लाइट सा ब्राउन कर लेना है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अपना कबाब निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, कबाब हमने निकाल लिया है अपना प्याली में। अब हम अपने बर्गर को, अपने बन कबाब को हमने कर लिया है कटिंग बीच में से 2, ये देखें, ठीक है। अब हम पहले करेंगे अपने कबाब को, कैचअप लेंगे, कैचअप का लिप लगाएंगे अच्छे से पूरे कबाब में, बर्गर में, पूरे बर्गर में। और देखिएगा, बनकर आपका बहुत ही मज़े का बनेगा। असल में आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसान अंदाज में बर्गर बनाना सीखें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। कबाब मैंने बना के रेसिपी अपनी अपने चैनल पे डाल दी है, आप कबाब बनाने की रेसिपी चाहें तो मेरी देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का और टेस्टी कबाब बनाए थे, ये देखें, बहुत ही मज़े के टेस्टी और कबाब बने थे। आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपनी कबाब की रेसिपी का, आप वहाँ से जाके जो है ना देख लीजिएगा, वहाँ से जाके भी आप मेरे कबाब की रेसिपी देख सकते हैं। अब मैं लूँगी इसके अंदर मायोनीज लगाऊंगी, ये देखिए बर्गर में। ये आप जैसे कि आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, लंच में भी आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे लंच में अक्सर नहीं खाते परांठे वगैरह, तो ये बहुत ही लाइट होता है बर्गर। मैंने अपनी रेसिपी सैंडविच की भी डाली है, बहुत लाइट थी वो भी बच्चों के लिहाज से। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अपना मायोनीज लेंगे, बंद गोभी में डालेंगे और बंद गोभी में मायोनीज को अच्छे से करेंगे हम मिक्स। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, जो गोभी बंद गोभी पसंद करते हैं ना जो लोग, उनको बहुत ही पसंद आता है ये। बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं, इसके फ़वाद भी बहुत हैं। आप इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, सैलड के तौर पर आप अपनी बंद गोभी को इस्तेमाल करें, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो मोस्टली अपनी सैलड में ना, या आम दिनों में भी सिर्फ जो है ना बंद गोभी ही खाती हूँ सैलड में। अगर ज़्यादा नहीं हो तो आप बंद गोभी भी खा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत हैं। आप अपने बच्चों को डाल के दें अपने बर्गर में, अपने सैंडविच में, उन्हें भी इस चीज़ का शौक पैदा होगा जब आप बना कर देंगी उन्हें। ये देखें, अच्छे से हमने इनको कर दिया है मिक्स बंद गोभी को। अब हम करेंगे इसको अपने बर्गर में शामिल, ये देखें बर्गर में इसकी लिपिंग करेंगे। ये बर्गर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, बड़े बच्चे सभी बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली आप बच्चों को अपने लंच में दें, कबाब बना के रख लें और इस तरह सुबह उठते ही उनको
अब कोकम्बर लेंगे हम, खीरा, खीरे लगाएंगे, देखिए हाथ पे भी लग गए मेरे, ये देखें खीरे ऐड करेंगे, खीरे लगाएंगे। खीरे के भी बहुत ही फ़वाद हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वैसे बच्चे खाएं ना खाएं, लेकिन आपके बच्चे बर्गर में बहुत शौक से ये चीज़ें खाते हैं, तो आप आसानी से उन्हें बर्गर में ये चीज़ें बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपना बर्गर रखेंगे, ये देखिए बर्गर रखेंगे। अब हम बर्गर पे बन, अब हमने अपना कबाब रख दिया है बर्गर पे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे। अब हम दूसरा लेंगे, ये देखें इसका ऊपर का कवर है ये, इस पे भी हम सबसे पहले केचप लगाएंगे, ठीक है। दूसरा प्ले के ऊपर का कवर हम इस पे करेंगे केचप की लेपिंग। मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा होने जा रहा है आपका बर्गर तैयार। ये देखिए अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना मायनीस, मायनीस क्लिपिंग करेंगे। ओके, मायनीस अच्छे से लगा देंगे। अच्छा, अब हम इस पे अगेन अपनी सॉरी ये रखेंगे हम बंद गोभी, मायनीज लगा के हमने इसको रख दिया था। मायनीज का टेस्ट और फ्लेवर सभी को बहुत पसंद होता है। देखिए मायनीज लगा के मैंने इसको रखा था, इस मैंने इस पे भी मैंने लगा दिया। घर में बना के दें अपने बच्चों को बर्गर, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और अच्छा होता है। ठीक है, ये देखिए बंद गोभी लगा दी हमने। अब हम इस पर रखेंगे अपने कोकम्बर, खीरे रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको इस पे ढक देंगे। तो व्यूअर्स, हमारा बर्गर हो चुका है बिल्कुल रेडी, बहुत ही टेस्टी और यमी सा, बहुत ही आसान और झटपट हमने किया है अपने बर्गर को रेडी। ठीक है, ये देखें इतना मज़े का बर्गर है। मैंने इसको कट कर लिया है बीच में से ताकि आपको दिखा सकूं। आपको बहुत पसंद आएगा, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बारे में बेल का बटन उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा। दीजिए उम्मीद शाफी को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।